नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। तो नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि सीईओ रितु महेश्वरी को एक बार फिर झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने रितु महेश्वरी को गैर जमानती वारंट मामले में राहत देने से साफ इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु महेश्वरी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जहां नोएडा सीईओ रितु महेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। फटकार लगने के पीछे वजह है हाई कोर्ट का आदेश ना मानना, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ रितु महेश्वरी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना क्यों कर रही हैं। वहीं नोएडा सीईओ रितु के वकील ने कोर्ट में महिला आईएएस होने और दो बच्चों का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रितु महेश्वरी को फटकारा है और कहा कि आईएएस हैं आप, आपको सभी नियम कानून पता है। आजकल जिस अफसर को देखो सुप्रीम कोर्ट चला रहा है, आप कोर्ट के आदेशों का सम्मान नहीं करती। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर तिलक चावला जी। तिलक जी, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि कोई भी मामला हो, हर किसी को देखो वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर लेता है, ऐसा ही नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी ने किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त फटकार लगी। बिल्कुल काजोल, ये नोएडा अथॉरिटी के लिहाज से एक बहुत बड़ी खबर है, और बड़ी खबर इस लिहाज से भी क्योंकि रितु पहले हाईकोर्ट जाने की बजाय वो सीधा सुप्रीम कोर्ट चली गई, और उन्हें ये उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें राहत देगा, लेकिन उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने ही उन्हें फटकार लगा दी। और जब हाईकोर्ट के बाकायदा आदेश का ये अवमानना मानी जा रही है, और कोर्ट ने बाकायदा ये तक कहा तल टिप्पणी की कि आप आईएएस हैं, आपको मालूम है नियम कायदे कानून क्या है, और उसके बावजूद आप कोर्ट सीधा सुप्रीम कोर्ट आपने मूव कर लिया, यानी कि हाई कोर्ट आदेश को आपने आदेश ना मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में आपने अपनी अर्जी दाखिल कर दी और अपने वकील को भेज दिया। और बकायदा ये बात कही गई कि कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप 10 बजे तक कोर्ट में मौजूद रहें, लेकिन 10:30 बजे फ्लाइट पकड़ रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे पहलू थे जिसको लेकर कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की। अगर नोएडा अथॉरिटी का मसले का जिक्र करें तो नोएडा अथॉरिटी ऐसा नहीं है कि पहली बार सवालों के कटघरे में, ऐसे कई मामले हैं, ऐसे कई वाक्ये हैं जहां पर नोएडा अथॉरिटी सवालों के घेरे में रही है, लेकिन यहां पर नोएडा अथॉरिटी की सीईओ जिनको लेकर सवाल खड़े हुए और कोर्ट ने जिस तरह से ये फटकार लगाई है, वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एक संदेश है। संदेश सिर्फ और सिर्फ नोएडा अथॉरिटी के सीईओ की नहीं है, बल्कि तमाम उन अधिकारियों को है जो कोर्ट के आदेश को माखोल समझते हैं, कोर्ट के आदेश को मानने की बजाय वो ऊपर के कोर्ट में चले जाते हैं। जिला कोर्ट कोई आदेश देता है तो आप हाई कोर्ट चले जाते हैं, और हाई कोर्ट कोई आदेश देता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो संदेश दे रहा है वो पूरी अधिकारी लॉबी को संदेश दे रहा है कि अगर कोर्ट का आदेश है, कोर्ट में पेश होना है, तो आपको कोर्ट में पेश होना है। इसमें कोई इफ और बट वाली कोई वजह नहीं है, कोई शंका नहीं है। आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि आपको क्या हाई कोर्ट के आदेश से राहत मिल जाएगी। कोर्ट की टिप्पणियों से यह संदेश बिल्कुल साफ है कि आने वाले वक्त में जो अधिकारी इस बात को हल्के में लेते हैं कि ये कोर्ट का आदेश है चलो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, या फिर जिला कोर्ट का आदेश है तो हाई कोर्ट चले जाएं, इसमें अब कहीं ना कहीं अधिकारी लॉबी जो है वो भी सकते में है, और अधिकारी लॉबी इस आदेश के और टिप्पणी के मायने समझ रहा है काजुल। बिल्कुल, और इसके अलावा हवाला ये भी दिया गया है कि मैं एक आईएएस हूं और मेरे दो बच्चे हैं। अगर आप आईएएस हैं, एक अधिकारी हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप नियमों को फॉलो करें। आप क्या जनता के सामने पेश करना चाहती हैं, ये भी बड़ा सवाल है तिलक। बिल्कुल सही कहा काजल आपने। यहाँ पर अगर नोएडा अथॉरिटी के मसले का जिक्र करें, ऐसे कई मामले हैं जिसमें नोएडा अथॉरिटी जो है वो सवालों के कटघरे में है, और उसमें से एक मामला यही था जिसको लेकर सुनवाई चल रही थी। और ऐसे में जब सीईओ को पेश होने के लिए कोर्ट में कहा गया तो वो उसको सीरियसली ना लेते हुए सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील देते हैं, और उनके वकील जिस तरह से पैरवी करते हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अपनी नाराजगी का इजहार करता है। तो सवाल कई कई खड़े हो जाते हैं कि नोएडा अथॉरिटी के अंदर जिस तरह से हिला हवाली देखी जाती है, और ऊपर के अधिकारी अगर इस तरह का संदेश देते हैं तो कहीं ना कहीं नीचे वाले जो अधिकारी हैं उन तक एक गलत मैसेज जाता है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, और अधिकारी लॉबी जिस तरह से जो व्यवहार हाल ही के, क्योंकि उन्होंने कई प्रकरणों का जिक्र किया कि हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें इस तरह से देखा गया कि कोर्ट ने कोई आदेश दिया, या फिर जिला कोर्ट ने कोई आदेश दिया, या फिर हाई कोर्ट ने कोई आदेश दिया, तो आप सुप्रीम कोर्ट चले आए। तो सीधा सुप्रीम कोर्ट आने की बजाय हाई कोर्ट में अपनी पैरवी करें, और हाई कोर्ट में अपनी बात और अपनी दलीलों को रखें,
अगर कोर्ट संतुष्ट नहीं होता या कोर्ट कोई निर्णय तक पहुंचता है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आए, लेकिन उससे पहले ही आप सुप्रीम कोर्ट में आकर अपनी दलील देते हैं और ये दलील देते हैं कि भाई हम एक आईएएस हैं और महिला हैं और उसके साथ साथ मेरे दो बच्चे हैं तो मैं कोर्ट में पेश नहीं हो पाऊंगी या फिर कोर्ट में पेश होने के लिए मेरी देर लगेगी। तो इसको लेकर हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आप जिस पद पर हैं आपको नियम कायदे कानून सब मालूम है, नोएडा अथॉरिटी के अंदर इस तरह से जो मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर अपनी पैरवी करने की बजाय आप जिस तरह की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। ठीक है तिलक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो ये पूरा मामला नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु महेश्वरी से जुड़ा, जहां हाईकोर्ट जाने के बजाय वो सीधे सुप्रीम कोर्ट चली जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगती है कि आपको नियम कायदे कानून जो है उसके दायरे में रहकर आगे कदम उठाना चाहिए। तो इसके बाद हाईकोर्ट ने ऋतु महेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए पुलिस कस्टडी में अदालत के अंदर पेश होने का आदेश दिया है। सीधे तौर पर ये एक संदेश है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप भले ही आईएएस हो लेकिन सारे नियम आपको फॉलो करने ही होंगे। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।